हेलो, मैं मधु, जैसे आपको पता है, और मैं एक ट्विन फ्लेम डिवाइन मास्कुलाइन इन फीमेल बॉडी। आज मैं आपको एक टॉपिक शेयर करना चाहता हूँ रिलेटेड टू वर्थीनेस, कि जैसे आप ट्विन फ्लेम जर्नी पे होते हो, जब बार बार आप एक्सपीरियंस करते हो सेपरेशन या कोई फाइट या किसी भी तरह से आपके ट्विन फ्लेम आपके पास नहीं आ रहे हैं, तो आपको नेचुरली फील होता है कि आप अनवर्दी हो। ऐसे नेचुरली फील होता है कि क्या मैं सच में इतना अनवर्दी हूँ जिसकी वजह से मेरे साथ ये बार बार होता है। जैसे सच्चाई तो ये है कि नहीं, आप अनवर्दी नहीं हो, आप कंप्लीटली वर्दी हो, क्योंकि गॉड ने आपको क्रिएट ही किया है वर्दीनेस के साथ, राइट? तो कहीं ना कहीं अगर आप फील कर रहे हो कि आप वर्दी नहीं हो, वर्दी नहीं हो मतलब कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि मेरे में शायद कुछ कमी है जिसकी वजह से मेरे ट्विन फ्लेम मेरे पास नहीं आ रहे, तो इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है, राइट? हो सकता है कि चाइल्डहुड ऐसा ही ब्रॉटअप हुआ है जिसमें हमको बार बार बोला जाता है कि तुम में ही कुछ कमी है, तुम्हारे में ही सब कुछ प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से तुम में कोई वर्दीनेस नहीं है। और जहाँ पे आपके पास अगर देखोगे कि वर्दीनेस का ब्लॉक है, तो आप देखोगे कॉन्स्टेंटली आप ऐसे रिलेशन अट्रैक्ट करते हो जो आपको कमिट नहीं करेंगे, और आपका ओबियसली फाइनेंशियल ब्लॉक रहेगा। और आप आपके जॉब में भी देखोगे कि आपको कोई ऐसे ना ऑनर या रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, हर बार आपको ही बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है दूसरे लोगों के कंपैरिजन में। दूसरे लोग ऐसे ही छोटा मोटा काम करके अप्रिसिएशन और रिकॉग्निशन लेके जाते हैं, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। तो ये सारे साइन होते हैं कि कहीं ना कहीं आप में वर्दीनेस का ब्लॉक है। तो सिंपल है, जैसे आप मिरर एक्सरसाइज करो कि आप आपके अंदर महसूस करो उस पार्ट को आपके दिल में जो अनवर्दी फील कर रहा है, और उसको लव करो। बहुत सिंपल है। आप अगर बहुत सारा चीज़ बाहर करने की कोशिश करते हो, कि नॉर्मली देखोगे कि जो लोग अनवर्दी फील करते हैं ना अपने दिल के अंदर, बाहर उनका देखोगे शॉपिंग बहुत रहेगा। नॉर्मल टेंडेंसी है कि चलो अच्छा अभी अनवर्दी लग रहा है ना, शॉपिंग करने चलो, ये ख़रीदा तो मुझे अच्छा लगेगा, वो ख़रीदा तो मुझे अच्छा लगेगा। तो रियली अगर आपको पैसे डालने ही हैं तो अपने हीलिंग में डालो, ताकि वो अंदर से हील हो जाए। तो एक बार अंदर से हील हो गया तो बाहर चीज़ें अपने आप नेचुरली फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जो आपके अंदर होता है वो बाहर आता है। जब आप बाहर कोशिश करते हो चीज़ों को हील करने में, एक तो वो आपको ड्रेन करेगा और बहुत एनर्जी जाता है बाहर चीज़ों को करने में जाते हो तो। तो ये बहुत आसान तरीके से हील हो सकता है। आज मैं आपको एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। जब मैं अपने ट्विन फ्लेम जर्नी में, जो मेरा सेकेंड इंसिडेंस था, जब मेरा सेकेंड ट्विन फ्लेम का एनकाउंटर था, कि जो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि है ना, कि क्यों हो रहा है मेरे साथ, क्यों हो रहा है ये सब चीज़ें, तो सेकेंड इनकाउंटर में मेरा ऐसा होता है ना, कि जेफ एंड शीला जैसे बोलते हैं कि पहले आप आपका लव लिस्ट बना लो, है ना, कि आपको दिल में जो है ना, आप आपके ट्विन फ्लेम को जैसे देखते हो उसका एक लिस्ट बना लो, क्योंकि सामने जो है आपका, मैक्सिमम टाइम लोगों को, लोग एक्चुअली प्रोजेक्ट करते हैं। स्पेसिफिकली अगर आप ट्रॉमा में हो तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा होता है कि आप प्रोजेक्ट करते हो सामने वाले इंसान पे जिसको आप दिल से चाहते हो। वो सामने वाला इंसान सही में क्या है, ट्रू ट्विन फ्लेम में, फॉल्स ट्विन फ्लेम में, नहीं पता रहता है, लेकिन हम जब तक खुद से कनेक्ट नहीं होते हैं तब तक हम बाहर प्रोजेक्ट करते रहते हैं। तो वैसे भी मेरे साथ ही चल रहा था प्रोजेक्शन, है ना, मेरा ट्रू लव, मैं अपना सब कुछ देने के लिए तैयार, वैसे दे भी रहा था, ऐसा भी नहीं था कि नहीं दे रहा था, सारा अटेंशन, जो भी हेल्प चाहिए, ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं बना ही हूँ उस इंसान का सारा विश फुल करने के लिए, फुलफ़िल करने के लिए, लोगों से भी मदद मांग के उसके तरफ मदद पहुँचाना, ताकि वो आगे बढ़े। सो दिस वेयर नॉट सेल्फ लव, राइट? क्योंकि बोला जाता है कि ट्विन फ्लेम मतलब आप सेल्फ लव करो। आपके ट्विन फ्लेम एक्चुअली आपको तभी चाहेंगे जब आपको प्यार करने में फोकस करते हो ना, तब आपके ट्विन फ्लेम आपके तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो जब आप देखोगे कि आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो सामने वाले इंसान के लिए, तो हो सकता है कि एक तो आपके अंदर ब्लॉक है, हो सकता है कि वो ट्विन फ्लेम है, लेकिन आप आपके अंदर ब्लॉक है जिसकी वजह से आप इतना सब कर रहे हो जो सब करने की ज़रूरत नहीं है। तो वैसे सिंपल सा मेरे लव लिस्ट में ना एक बहुत बड़ा पॉइंट था कि वो जो मेरा ट्विन फ्लेम है वो चाइनीज़ खाना चाहिए। ओबियसली थोड़ा फनी है, बट मेरे लिए बहुत मैटर करता है चाइनीज़ फूड, मुझे बहुत पसंद है। ओके, तो फिर मेरे लिस्ट में था जिस दिन, और वैसे मैं चेकलिस्ट तो हमेशा लेके घूमता हूँ कि मैच कराऊँ कि भाई ठीक है, एक एनकाउंटर ख़त्म हुआ, दूसरा है तो
चलो ये तो ट्रू ट्विन फ्लेम है, क्योंकि मेरे अंदर काफ़ी कुछ हीलिंग हो चुका था, तो अभी है ना मैं अपने ट्विन फ्लेम के साथ हारमोनियस यूनियन में आने वाला हूँ। तो लिस्ट में बहुत सारे पॉइंट भी मैच हो गए, वैल्यूज़ भी मैच हो रहे थे, काफ़ी कुछ पूरे नहीं मैच हुए ऑब्वियसली, बट काफ़ी कुछ मैच हुए। लाइफ पर्पस का तो कोई मैच ही नहीं था वहाँ पे, मैं जिस डायरेक्शन में जा रहा था वो अलग ही डायरेक्शन में जा रहा था, बट ऐसा था कि है ना कि लाइफ पर्पस अभी नहीं है, बट आगे जाके है ना लाइफ पर्पस एक हो सकता है। तो फिर मैंने उस पॉइंट को थोड़ा साइड में रखा था, और वैसे भी मेरा कोर चॉइस था हील होने के लिए। तो एक दिन ऐसा पता चला कि एक दिन मुझे बहुत क्रेविंग हुआ रात को कि मुझे चाइनीज़ खाना है, तो मैंने एकदम से आधी रात को निकल के एक रेस्टोरेंट में जाके चाइनीज़ खाया, और सेकेंड डे मुझे पता चला कि उस इंसान ने चाइनीज़ बना के खाया था। तो मेरे लिए वो इतना बड़ा साइन हो गया कि ओ माय गॉड, गॉड आपने तो पूरा कंफर्म ही कर दिया कि ये मेरा ट्विन फ्लेम है। तो यस, ऐसे होता है, तो डोंट वरी, और अपने ऊपर इतना ज़्यादा क्या बोलते हैं प्रेशर भी मत डालो कि भाई अपना ट्विन फ्लेम कौन है। अगर आप आपके ट्विन फ्लेम पाथ पे हो, जर्नी को कमिटेड हो, अपने हीलिंग को कमिटेड हो, तो नेचुरली आप आपके ट्रू लव तक ही पहुंचोगे, राइट? क्योंकि आपके कोर में आपने गॉड को चूज़ किया है, सो दैट्स द कोर, नॉट के सामने वाला इंसान क्या है। अगर आप दिल से कमिटेड हो ना अपने ट्विन फ्लेम को, तो कोई भी इंसान आ जाए ना तो भी वो आपको आपसे छीन नहीं सकता, ओके? तो ये होता है क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हो जाते हो, गॉड आपको एक प्रोटेक्शन देता है ताकि कोई दूसरा इंसान आपसे वो लव ना ले पाए। वो लव जिसको बिलोंग करता है वो वहीं पे जाएगा, और वहीं पे हार्मोनियस यूनियन ही होगा। बाकी सब चीज़ तो कैटलिस्ट है जो आपको मदद करेंगे आगे बढ़ने के लिए। बट यस, उस दिन तो मैं पूरा एकदम से आसमान में था कि यही मेरा ट्विन फ्लेम है, अब तो मैं इसको बोलने ही वाला हूँ कि हम दोनों ट्विन फ्लेम है, और ये सब चीज़ें सब कुछ मैं बोलने वाला हूँ। तो सिर्फ जैसे ही मैंने इसको सिर्फ बताया कि अरे वाह तुम चाइनीज़ खा रहे हो, थोड़ा सा डीप में बात करना स्टार्ट किया, तो पता नहीं उसको कुछ तो ट्रिगर हुआ, पता है, क्योंकि जैसे प्यार उभरता है तो हम सारा निकाल देते हैं ना, ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत कुछ बताए, सब बताना रहता है ना, ऐसे बहुत दिनों से ऐसे तड़प रहे हैं और एकदम से सामने दिखता है तो फिर बताना है ना सब कुछ। तो फिर मैंने सब कुछ भड़ास निकालना स्टार्ट किया, तो वो इंसान ही भाग गया। उसको ऐसे लगने लगा कि जैसे मैं रियली उसको कैप्चर करके या उसको पकड़ के जैसे ना कहीं ले जाऊँगा, इस तरह का उसका फीलिंग था। वो लिटरली भाग गया, एंड ऑब्वियसली यू नो उसके बाद फिर सेपरेशन एंड ऑल दैट, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना, क्योंकि पता चल जाता है ना कि कोई तो उनके ऊपर अटैक कर रहा है। तो कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली इंसान को पता रहता है कि क्या हो रहा है, ठीक है? तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपने ऊपर हीलिंग करें, क्योंकि बाद में जब मैं ये स्टोरी खुद फील करता था या जैसे अभी फील कर रहा हूँ, तो मुझे काफ़ी एम्बारस्ड लग रहा है कि पता नहीं कौन था, है ना, और मैंने उसको कितना, उसके साथ कितना कुछ कर लिया, राइट? और जहाँ पे मुझे पता है कि मेरे ट्विन फ्लेम जो हैं वो मेरे लिए बने हैं, वो मेरे से लॉयल्टी चाहते हैं, जो मुझसे जो चाहते हैं कि मैं सिर्फ उन्हीं के लिए डेडिकेटेड रहूँ, राइट? तो कोई भी इंसान जो भी फेमिनाइन होते हैं वो चाहते हैं कि अपने जो मास्कुलाइन है वो कहीं और ना जाएं, और यू नो स्टे कमिटेड, स्टे लॉयल, राइट? तो कहीं ना कहीं मैं वो हील कर रहा था अपने अंदर, करेक्ट? क्योंकि जब मैं अपने ट्रू सेल्फ को ही लॉयल नहीं था, राइट? मेरा ट्रू सेल्फ मास्कुलिनिटी है, तो अगर मैंने इस जन्म में ही ट्रू सेल्फ को नहीं चूज़ किया है, तो कोई कहीं ना कहीं सबसे बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट था मेरे अंदर, राइट? तो फिर ठीक है, तो चाउमीन ही सही, उसके थ्रू तो कुछ आगे के ब्लॉक्स दिखने लगे, कुछ और ट्रिगर्स आने लगे जो मुझे मदद किया। क्योंकि जैसे ही ट्रिगर होता है आपको दिल में एग्जैक्टली पता चलता है कि हाँ यहाँ पे ब्लॉक है, फिर काम करना आसान हो जाता है। तो ट्रिगर से आप डरो मत, हर एक ट्रिगर एक्चुअली आपको रास्ता देता है कि जैसे ही आप उस ट्रिगर पे काम करोगे, आइदर वो इंसान अगर आपका सच में ट्विन फ्लेम है तो वो आपके साथ आगे बढ़ेगा, और अगर वो उस ट्रिगर पे काम करने के बाद उस इंसान में कोई चेंजेस नहीं आता, वो आपसे दूर जाना स्टार्ट होता है, तो फिर वो आपका फॉल्स ट्विन फ्लेम है। लेकिन आपको उस इंसान के लिए खुद की जर्नी गिव अप नहीं करना, आपको आगे बढ़ना है। ऐसा बोला जाता है कि यू मूव फॉरवर्ड, आप आगे बढ़ो आपके असेंशन में, क्योंकि आपके ट्विन फ्लेम आपको आपके असेंशन पाथ में मिलने वाले हैं। आपको उनके इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना आप सोल लेवल पे असेंड करोगे उतना आपके ट्विन फ्लेम भी असेंड करते हैं आपके साथ ही, राइट? और ज़रूरत नहीं है वो फिजिकली आपके साथ है या मिलो दूर हैं, जितना आप आपके सोल के साथ कनेक्टेड रहते हो वो आपके तरफ खींचे हुए आ जाते हैं।
ओके, तो आप आपके ऊपर ट्रस्ट करो, आप बहुत वर्दी हो, आप आपके ट्विन फ्लेम के लिए तो फुल्ली वर्दी हो। उनके लिए आपको कोई भी स्पेशल चीज़ें नहीं करना है। आप अगर हीलिंग कर रहे हो, आप खुद के लिए कर रहे हो, राइट? क्योंकि अब जो आपके अंदर ट्रिगर हो रहा है, कुछ अपसेट है, कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा है, जो चाइल्डहुड के अब्यूज़ है, राइट? वो सब चीज़ आप हील कर रहे हो, आप ही को अंदर से अच्छा लगना स्टार्ट हो जाएगा, राइट? अभी जैसे मैंने अपने ट्रॉमा हीलिंग के बाद निकल रहा हूँ, तो आप देख सकते हो कि मुझे भी काफ़ी लाइट फील होना स्टार्ट हो गया है, राइट? नहीं तो मैं पहले भी काफ़ी डरा हुआ रहता था। जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ, आप देख सकते हो कि मुझे कभी कभी मैं रियली डरा हुआ रहता हूँ, और कभी कभी मैं जब फ्री महसूस करता हूँ, अंदर से लाइट महसूस करता हूँ, तो मेरे पास भी बहुत सारे चीज़ें जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, और आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी को एकदम से हल्के से, कितने आसानी तरीके से, हंसते खेलते हुए आप हार्मोनियस यूनियन की तरफ बढ़ सकते हो, उसको आप कमिटेड रह सकते हो, और ये सेफ है, राइट? क्योंकि आप आपके ट्रू लव के तरफ आगे बढ़ रहे हो, गॉड के तरफ आगे बढ़ रहे हो। सो जस्ट एंजॉय, एंड आपको मेरे साथ काम करना है, सो कनेक्ट विथ मी। थैंक यू।